ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफ़र कनाडा की सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया था। इसको जहां ड्राइव करना था वो सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में था, और उसी जगह पर ओशियन की ठंडे पानी के नीचे टाइटैनिक का सी ब्रेक मौजूद था। सैटरडे 17 जून 2023 को इस सफ़र शुरू किया गया, और प्लानिंग के हिसाब से अगला दिन संडे को सुबह 8 बजे पानी में उतरने जाने वाला था। आपको बता के चले, ड्राइव के पहले टाइटन में एक प्रॉब्लम नोटिस किया गया, उसके बावजूद टाइटन को रिक्स लेकर पानी में उतर दिया गया। फिर रिक्स होने के बाद भी क्यों पानी में उतरा और ऐसा कौन सा प्रॉब्लम नोटिस किया गया, जानेंगे इस वीडियो में। दास टीवी की वीडियो में सबको फिर से स्वागत है। इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें पहला नंबर पे हमीस हार्डिंग एक ब्रिटिश बिजनेसमैन था, दूसरा नंबर पे टाइटन का रिसर्च जो टाइटन के बारे में अच्छे से वाकिफ था पॉल हेनरी था, नंबर 3 स्टॉकटन राज जो ओशियन गेट की सीईओ है वो खुद ड्राइव कर रहे थे और खुद मौजूद था, नंबर 4 पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद एंड सुलेमान, उसके बेटे सुलेमान दाऊद दोनों मौजूद थे। 1920 में टाइटैनिक सी डूबने के बाद ओशियन ने टाइटैनिक ढूंढने का सर्चिंग जारी रखा। आप जान के हैरान हो जाओगे, ओशियन गेट सबमरीन को पानी की गहराई में जाना 20 से भी ज़्यादा मुश्किल है। टाइटैनिक सीब्रैक समंदर के 4000 मीटर या 4 किलोमीटर डीप में मौजूद है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल पानी का प्रेशर है जो 5800 PSI होता है। संडे 1 जून 2023 को नॉर्थ ओशियन से सबमरीन का सफ़र स्टार्ट हुआ, जिसको पहुँचने में 2 घंटा लगना था, मगर 1 घंटा 45 मिनट पहले पर वेट कर रहे वाला सीप में कनेक्शन टूट गया। 7 घंटे की सफ़र था, 7 बजे तक वापस आ जाना था। 7 बजने के बाद भी कोई सिग्नल ना मिला, तब परेशानी और भी बढ़ गया। तब ऊपर खड़ी सीप सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। बताते चले, ओशियन गेट सबमरीन में सिर्फ 4 डेज यानी 96 आवर का ही ऑक्सीजन मौजूद था। ROVs जब टाइटैनिक की सीप्रैक पर पहुंचा, जो देखा सबके पैरों तले जमीन खिसक गया। ओशियन गेट की एक हिस्सा 1600 फीट दूर पड़ा था। इसको देख के सबको समझ आ गया, ओशियन गेट की सबमरीन ने पानी का प्रेशर झेल नहीं सका और फट गया। आपको पहले ही बताया था कि ओशियन गेट की सबमरीन पानी में उतरने से पहले एक बड़ा प्रॉब्लम नोटिस किया गया था, मगर उसके बावजूद भी पानी में उतर दिया गया था। ओशियन गेट की CEO टॉकटन राज ने न्यू इनोवेशन के लिए स्टील की जगह कार्बन फाइबर से बनाया था। पानी का प्रेशर इतना होने की वजह से झल ना सका और फट गया। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक करेंगे।